हेलो फ्रेंड, माझी वेटनरी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आते हैं पशुओं के, गाय भैंस से बकरी की दवा के बारे में जानकारी देते रहते हैं। इसी क्रम में हम आज आपके सामने लेकर आए हैं, अगर आपके पशु के शरीर के ऊपर किसी प्रकार के कटने से कीड़े पड़ गए हों, फोड़ा से कीड़े पड़ रहे हों, घाव नहीं सूख रहा है, तो उसके लिए आज हम आपको बता रहे हैं बहुत अच्छी दवा जो नाम से बिकती है। इसका नाम लगभग आप लोग सुने होंगे, इसका नाम है हिमैक्स। यह एक आयुर्वेदिक क्रीम है। आयुर्वेदिक क्रीम का मतलब, आयुर्वेद का मतलब ही है कहीं से कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसका नाम है हिमैक्स। यह इंडियन हर्ब्स द्वारा बनाया गया है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आपके जानवर पर, जैसे क्या होता है, कहीं पर कोई घाव है, उस पर आके कौवे खोद दिए तो वहाँ पर भी कीड़े पड़ने का डर रहता है। अगर फोड़ा निकला है, पफ अच्छी तरीके साफ नहीं हुआ, वहाँ पर भी कीड़े पड़ने का डर रहता है। या प्रेगनेंसी के समय जब आपके पशु को स्राव आता है, फिर भी आकर उस पर पक्षी अपना ठोंठ लगा देते हैं, वहाँ पर भी कीड़े पड़ने का डर रहता है। तो आज हम आपको ऐसी दवा के बारे में बता रहे हैं, अगर आपके पशु के शरीर के किसी भी भाग में कीड़े पड़ गए हों तो आप इसके लिए हिमैक्स का इस्तेमाल कीजिए। हिमैक्स जो बहुत ही नामी दवा है, यह 50 ग्राम के ट्यूब में उपलब्ध है। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल ऊपर से लगाने के लिए है। इस पर लिखा गया है, देखिए, वाइड स्पेक्ट्रम स्किन ऑनमेंट, अर्थात यह केवल चमड़े के ऊपरी भाग पर लगाया जाता है। आप खुजली से कट गया हो, वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, नो डाउट, बहुत अच्छी दवा है। इस दवा के दूसरे भाग पर आप लिखा पाएंगे, आयुर्वेदिक पशु औषध कीटाणुनाशक मलहम, या सभी प्रकार के कीड़ों को मारता शरीर के ऊपर। यह ट्यूब आपको इस तरीके से बाजार में मिलेगा और बहुत महंगा भी नहीं है। आप इसका दाम से देख सकते हैं, मात्र 70 रुपये में। अगर आपके जानवर में कीड़े पड़ गए हों, अगर सोचे कि आप इंजेक्शन दवा के माध्यम से रोकना चाहे तो कई सत्तर लग जाएंगे लेकिन ठीक नहीं होंगे। यह दवा ऐसा है, आप कटे पर लगाएंगे, अंदर तक अवशोषित होगा, जिससे कीड़े को तुरंत मारने के बाद ये घाव को सुखा भी देता है। कहीं से कोई अन्य दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी अगर आपके जानवर में ऐसी स्थिति हो तो एक बार अपने निकटतम पशु चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें।